हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश और आप हैं गेट स्मार्ट पे। आज हम जो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाले हैं वो है चार्जिंग एडाप्टर पिन की। कई बार ये होता है कि जब हम चार्जिंग एडाप्टर पिन को लगाते हैं तो स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाती है और फिर वापस से नॉर्मल स्क्रीन आ जाती है। यही सेम सीन प्लग आउट करते समय भी होता है, तो इस प्रॉब्लम को हम बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। अभी मैंने ये चार्जिंग प्लग लगा दिया है और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है ग्राफिक प्रॉपर्टीज़, इस पर मैंने क्लिक किया, ये ग्राफिक प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही है। अब हमें जाना है पावर ऑप्शन पे और पावर ऑप्शन में जाने के बाद हमें चूज़ करना है ऑन बैटरी। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट स्विचिंग, यहाँ इनेबल है और वह है 40 हर्ट्ज़। जितनी हर्ट्ज़ ज़्यादा होगा उतने कम सेकेंड के लिए आपकी स्क्रीन ब्लैंक होगी। तो हम बंद अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे डिजेबल कर सकते हैं। हमने किया इसे डिजेबल। अब हम चूज करेंगे अप्लाई और हमसे पूछ रहा है द न्यू सेटिंग हैव बीन अप्लाइड, डू यू वांट टू कीप दिस सेटिंग। हमें चूज करना है यहाँ पे यस, और हमारी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुकी है। अब हम इसे देख लेते हैं। डेस्कटॉप मेनू पे आने के बाद हम वापस इसे रिफ्रेश करते हैं और हम अब देखिए ये प्लग आउट मैं किया और स्क्रीन फ्लक्चुएशन बंद हो गया। प्लग इन करने के साथ भी सेम केस आया। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।